वेलकम बैक टू आरती आदा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। इसे मैंने सुबह ही नहला दिया था आज। उसके बाद मैं नहाई, एक बजे इसे नहलाया था, उसके बाद मैं नहाई, फिर रेडी हुए। रेडी तो क्या ही हुई हूँ, अभी मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर और लिपस्टिक लगा रखी है। आज हमें जाना है ही बर्थडे पार्टी में। अभी हम जा रहे हैं नोएडा। अरे क्या हुआ, एकदम से धूप आती है, अजीब सा फ्रेज हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं नोएडा पूजा दी के यहाँ पे। आगे पूजा दी भी बैठी है, बोल रही है उधर हाय गाइस, दिख रही है तुम? हाँ थोड़ी सी। अंकित भैया के साथ जा रहे हैं हम। और अंकित भैया तुम्हारा, ओह शिट, क्या हो गया? तुम्हें मनाली जाना था पहले, तो इधर से ही ले लेना ना, पुल जो उतरती लेफ्ट ले लेना। अबे यार वहां से पासपोर्ट तो पड़ गया। हमें जाना है बर्थडे पार्टी में। आज निशा दी के बेटे का बर्थडे है, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो वहीं पे जाना है। मैंने तो नहा के बाल भी नहीं खोले, जोड़ा बना हुआ है ऐसे वैसा ही, और सामान ले लिया। नोएडा में, नोएडा ही रेडी होंगे हम। इसका सारा सामान वहीं पे था इसने कहा, इसलिए वहीं से रेडी होकर निकलेंगे। मैंने कहा तेरी वजह से हम थोड़े लेट हो गए, पर लेट नहीं हुए हम। क्या टाइम हो रहा है? तो फिर लेट क्या हो गए? अब जाते ही बैठ, वो ये है ना कि थोड़ा इंसान आराम से पहले रिलैक्स हो जाए आधे घंटा, तो 4 बजे से भी रेडी होंगे तो हम 6 बजे तक निकलेंगे। नहीं मायरा भी है ना साथ में, मायरा को भी वहीं रेडी करेंगे, इसलिए से नॉर्मल से कपड़े पहना दिए थे, नहा के नहला के। चलो गाइस मिलते हैं फिर। पहले इसे अपना सूट उठाना है टेलर से, ये भी कंफर्म नहीं है यही पहनना है। हाँ उसके बाद नोएडा जाएंगे हम। और मैंने जो अपने, छोड़ो बाद में बताऊंगी। चलो चलो गाइस पहुंच के मिलते हैं फिर आपसे। मैंने बता तो दिया था अपने व्लॉग में चारी के साथ क्या हुआ। मैंने नहीं बताया था ना, तूने बताया था बट अब मैंने नहीं बताया था बहन, अब उसमें भी नहीं बताया था। और गाइस गलती से मेरा व्लॉग आगरा वाला डिलीट हो गया मेड से ही। कर दो उसको ट्रिम रे सारा ट्रिम कर दिया। जो ट्रिम करना था ना मुझे, जो पार्ट कट करना था वही पार्ट रह गया था बस, और बाकी सारा डिलीट हो गया था। 35-36 सेकंड का बचा था, मैंने वो भी डिलीट कर दिया। मैंने कहा छोड़ो क्या करना है अब, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से पहुंचने के बाद। सो गाइज हम लोग आ गए थे घर पे नोएडा, और मायरा सो गई है जीजू के पास। क्या ढूंढ रही है? और पूजा दी ने बनाया मेरा हेयर स्टाइल, देखो बीड्स भी लगाई है। अभी 4:30 बज रहे हैं हम लोग, ये बस अपना कर रही है ड्रायर वगैरह से, फिर हम होंगे रेडी हम, क्योंकि 6 बजे निकलेंगे रेडी होके। फंक्शन 5 बजे से स्टार्ट है, 5 से 11 टाइमिंग है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि टाइमिंग टाइम से निकलें 6 बजे, तो मे बी 7-7:30 तक पहुंच जाएंगे। फिर भी हम थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं, अगर 6 लेके चल रहे हैं फिर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, पर हमें ट्रैफिक बहुत मिलेगा। तो करते हैं फटाफट, होते हैं रेडी, फिर निकलेंगे, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मायरा उठेगी तो उसे भी रेडी करना है। चलो मिलते हैं। सो गाइस मुझे और पूजा थी दोनों को लग रही थी काफ़ी तेज़ भूख। वैसे तो मैं खाना खा के आई थी, रोटी सब्जी चाय वगैरह सब खा के आई थी, पर टाइम हो गया 2-3 घंटे हो गए तो भूख लगने लगी थी दोनों को बहुत ज़्यादा। तो हमने मंगाई है वेज बिरयानी यहीं से, जो कि बहुत टेस्टी होती है, मैंने पहले खाई हुई है इसकी वेज बिरयानी। तो चलो फटाफट खा लेती हूँ। वहाँ पर अपना सूट प्रेस किया मैंने, क्योंकि अब जल्दी से रेडी होंगे, 5 बज गए हैं, फिर फटाफट खा के होती हूँ रेडी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, पूजा दी हो चुकी है रेडी, वो पीछे से आ गई है। मैंने ब्लू कलर का सूट वेयर किया है, बाद में दिखाऊंगी। और माई हो इसे देखो चलो गाइज निकलते हैं, हम मिलते हैं। सो गाइज हम लोग निकल गए हैं, और पूजा दी ने मुझे कहा ब्लैक बिंदी लगा अच्छी लगेगी, तो मैंने लगाई, तो सच में काफ़ी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, तो मैंने लगा ली। मैं पहले लगाती थी बहुत, कहीं भी जाती थी सूट पहनती थी तो ब्लैक बिंदी ज़रूर लगाती थी, बट काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है, आज लगाई है बहुत दिनों बाद, तो अच्छी लग रही है। तो मायरा मुझे देखे जा रही हो बहुत देर से,
कैसी लग रही है मासी? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चच्ची चच्ची अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है मासी? मासी कैसी लग रही है? हाँ जल्दी बताओ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है चच्ची। चच्ची अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। I love you, I love you। ऐसे बहुत देर से देखे जा रही है मेरे को। हाँ जी कैसे देख रहे हैं? 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 कैसी लग रही है मासी? कैसी लग रही है? कैसी लग रही है बता दे, बता दे, बता दे। अरे बता दे, अरे एटीट्यूड दिखा ले, इतना बता दे। कैसी लग रही है? सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली लोकेशन पे। और रास्ता बहुत ख़राब था यार, हम लोग 6:30 बजे घर से निकले थे और हम लोग 9 बज रहे हैं, अब 9 बजे पहुंचे हैं। तो आप लोग सोच लो हमें 6:30 से 2.5 घंटा लग गया यहां तक पहुंचने में। रोहिणी पूथली भवाना साइड है, बहुत गंदा रास्ता था सीरियसली। चलो अंदर चलते हैं, हम मिलते हैं सबसे, फिर बताते हैं आप लोगों को जैसा भी है। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। हाँ वॉइस ओवर करना पड़ेगा। पूजा दी निकल गए हैं घर के लिए। हम
लोग पहुंचे थे 9 बजे और निकल गए 10 बजे क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा था। हमें जाते टाइम ना रास्ता इतना अजीब सा खराब था, 2.5 घंटे लग गए पहुंचने में। बड़ा डरावना जंगल, खाली सुनसान रास्ता, बड़ा बहुत स्कैरी था मतलब। और फिर हम लोग इसीलिए टाइम से निकले क्योंकि रास्ता ठीक नहीं था। फिर मायरा भी थी और मायरा बहुत परेशान हो रही थी अभी, तो हमने उसके कपड़े चेंज कर दिए, उसे निक्कर और टी शर्ट पहना दी। और मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे तो मैंने अपने इयर रिंग्स भी उतार दिए। अब बस 20 मिनट में हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। वैसे तो अभी तो हम मेन रोड से जा रहे हैं, सही रास्ता मिल गया था हमें, तो बस 20 मिनट में पहुँच जाएंगे घर फटाफट। फिर चेंज करेंगे अपना, लेटेंगे वेटेंगे। और बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा फंक्शन था, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं घर पे। घर में आने में मतलब घर आने में हमें टाइम नहीं लगा जितना हमें जाने में टाइम लगा था। तो टाइम से फाइनली आ चुके हैं, 10 बजे निकले थे, 11 बजे 1 घंटा लगा है आने में और जाने में हमें 2.5 घंटा लगा था। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और गाइज मेरा फुल सूट ये है, ये देखो, जो कि मैं जाते टाइम आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, बट पूजा दी ने दिखाया था शायद, तो इस वजह से। और मेरे कानों में बहुत पेन हो रहा था, इतने बड़े इयर रिंग्स पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैंने उतार दिए हैं। और मैं सोच रही थी 1-2 वीडियो बना लेती हूँ मिरर में ही, क्योंकि पूजा दी भी थक गई है, वो नहीं बनाएगी, तो सोचा मिरर में ही खुद बना लेती हूँ 1-2 वीडियो अच्छी अच्छी सी। चलो फिर चेंज करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और गाइस मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना, ब्राइटनेस कम हो रही थी देखो। तो गाइज मैं आ गई हूँ चेंज करके, फेस वॉश करके, मैंने मॉइस्चराइजर लगाया भर भर के, क्योंकि पता नहीं आजकल क्यों मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब नोज़ के पास से और ये चीज़, मतलब यहाँ से कहीं कहीं से काफ़ी ड्राई सी स्किन हो रही है। तो मैंने सबसे पहले फेस वॉश किया और मॉइस्चराइजर लगाया अच्छे तरीके से। और मायरा ने गाइज आते हुए अपनी नींद पूरी कर ली है, गाड़ी में आते हुए सो गई थी, मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे और अब मस्त खेल रही है। 12:30 बज रहे हैं, अब मस्त खेल रही है देखो। और इसे बस मेरा कवर चाहिए होता है, इसमें ना मेरे कवर में, एक सेकंड बेटा, ये मेरे कवर में पीछे ना इतने सारे कार्टून्स बने हैं, तो मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, इसका ध्यान इसी पे रहता है। और अभी भी देखो, ये देखो, ये सिर्फ मेरा कवर के पीछे रहती है, किसी का कवर नहीं छेड़ती, पर इसे मेरा कवर चाहिए होता है और रो रो के मांगती है। ये देखो अभी इसकी नज़रें, लग जाएगा आराम से, ऐसे करती है। सॉरी, अब नहीं छेड़ूंगी, प्लीज, सॉरी। आज मैंने इसका गालना यूं करके यूं कर दिया तो छेड़ गई, इसको ना पसंद नहीं है कोई भी इसका फेस ज्यादा छेड़े, चिढ़ जाती है इसलिए। खेलने का भी देखो, बैग से दिखाती हूँ इसे, क्या है? हाँ। 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 मैं कवर ले रही हूँ अपना वापस, ठीक है, सारा थुक्कू थुक्कू कर दिया इसमें। नहीं नहीं नहीं, कितना छिड़कू हो रहा है, तो कितना छिड़कू, हट, खेलने में लग रही है मस्त। आई लव यू। अच्छा नहीं भैया, अच्छा नहीं छेड़ रही। देख रहे हो इसे? नहीं बेटा, मुंह में नहीं डालते, गंदी बात होती है। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, इसके साथ खेल लूं मैं, इसकी पिटाई करूं, ये मुंह में डालता है हर चीज, गंदा बच्चा। जीव दिखा रहा है, शिव को जीव दिखा रहा है तू। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं पकड़ रही, नहीं। इसी के साथ करते हैं आज वाले ब्लॉग का एंड, आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।